आलासन में 66वीं जिला स्तरीय खो खो खेलकूद प्रतियोगिता का कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में हुआ शुभारंभ। साइला निकटवर्ती आलासन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 66वीं जिला स्तरीय खो खो 17 वर्ष व 19 वर्ष छात्रवर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल के मुख्य आतिथ्य व जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नयन सिंह राजपुरोहित, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी टी आर मीणा, तहसीलदार पार्शमल राठौड़, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक श्रीराम गोदारा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल परियार, सहकारी समिति के अध्यक्ष मांगीलाल राजपुरोहित, पंचायत समिति सदस्य शांति देवी सोनी, उप सरपंच आवरदान सारण, सीबीओ रेवाशंकर गर्ग उपस्थित थे। पूरी प्रतियोगिता के भामाशाह स्वर्गीय वागजी पुत्र रावताजी राजपुरोहित की स्मृति में उनके सुपुत्र मांगीलाल और नरपत सिंह की ओर से पूरी प्रतियोगिता का खसरा वहन किया जा रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर जैन ने कहा कि हार व जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हार से व्यक्ति को कभी भी घबराना नहीं चाहिए व जीत का भी घमंड न करें। खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने की बात कही। वहीं पूर्व विधायक मेघवाल ने कहा कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा खेल से मिलती है। खेल हमारे जीवन में आवश्यक रूप से शामिल होना चाहिए। खेल से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। जितना हम खेलेंगे उतना ही हमारे जीवन में सहजता और प्रसन्नता होगी। अपने आने वाले जीवन में खेल शामिल रहें, इसलिए खेल को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता आयोजित करने, खेल के प्रति बच्चों में रुचि जागृत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र में सफलता के लिए फोकस जरूरी है, साथ ही खेल को साधन की तरह खेलना चाहिए। कड़ी मेहनत, लगन, समर्पण भाव के साथ खेल क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। खेल को अनुशासित तरीके से व जीवन में संकल्प लेने को बताया व साथ ही सोशल मीडिया से दूर रहकर जीवन में सदैव खेल को जोड़ने की बात कही। वहीं नयन सिंह राजपुरोहित ने कहा कि खेल खिलाड़ी को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत करते हैं, इसलिए खेल जरूरी है। प्रतियोगिता के सचिव कैलाश सिंह राजपुरोहित ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि खो खो खेलकूद प्रतियोगिता में 19 वर्ष की 6 टीमें और 17 वर्ष की 12 टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने अतिथियों का आभार जताया। इस मौके पर शिवनाथ सिंह, रानीदान चारण, मांगीलाल राजपुरोहित, भरत मेघवाल, अम्बालाल रेवतड़ा, पूर्व सरपंच भोपाल सिंह, दलीसन जैन, दिलीप सोनी, वालाराम चौधरी, मोहनलाल प्रजापत, बाबूलाल मेघवाल, मोहनलाल कृष्ण सोडा, हस्तिमल गौरीशंकर, देवेंद्र कुमार, अजबा राम समेत कई जने मौजूद थे। उद्घाटन मैच प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय देवड़ा और प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवाड़ा के बीच खेला गया, जिसमें देवड़ा विजय रहा। दोबारा से टीम को बधाई दो। और अब आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, तो उससे पीछे आप लोग नहीं हो सकते, क्योंकि जब एक बार कोई हम अच्छा काम कर लेते हैं तो उससे कमतर काम फिर हम नहीं करते कभी। तो वैसा ही स्टैंडर्ड आपने सेट किया है, तो मैं समझता हूँ उसी को आगे आप बनाए रखेंगे। ये सब बच्चे हैं हमारे, इनकी आंखों में चमक है, बहुत ऊंची उड़ान का सपना इन्होंने देखा है। हम सब जो पूरा तंत्र है, सिस्टम है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, भामाशाह, हमारे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, सभी लोग शामिल हैं। हम सबको मिलकर के इनके सपनों को उड़ान देनी है। ऐसा हमको सपना देखना चाहिए और इनको आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम लोग जितना हो सके, ये नहीं हो सकता है हम चांद बनने की ख्वाहिश देखें पर कहीं तारों तक तो पहुँच ही जाएं, तो इस तरह से अपने को सोच के करना चाहिए आगे का। एक कवि की पंक्ति मुझे याद आ रही है, बच्चों की आंखों की चमक को देख के, कि उम्मीदों की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों के इम्तिहान अभी बाकी हैं, और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारी जमीन, सारा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम आलासन का। कई सारे युवा साथी, युवा चेहरे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।